हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। हमने पोटेंशियल का ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो स्टार्ट कर दिया है और आज हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो पोटेंशियल को लेकर ही हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें लेके आने वाले हैं स्फेरिकल शेल। तो एक हम चार्ज्ड स्फेरिकल शेल लेंगे, उसके इनसाइड, उसके सरफेस पे और उसके आउटसाइड एक पी पॉइंट हमें लेना है, जिस पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्फेरिकल शेल ली है, स्फेरिकल शेल। और एक और बात यहाँ पर कहने वाली है कि जो हम कंडक्टर लेने वाले हैं, इसके जस्ट सेकेंड टॉपिक आने वाला है। फर्स्ट टॉपिक हमारा किस पर है, स्फेरिकल शेल पर है, और जस्ट इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो किसके लिए है, वो किसी कंडक्टर के लिए। मान लो हमने एक कंडक्टिंग स्फेयर ले लिया है, तो ये कंडक्टिंग स्फेयर, ये सेकेंड टॉपिक है इसका, ये फर्स्ट टॉपिक है। तो दोनों ही टॉपिक के लिए हम डेरिवेशन सेम करने वाले हैं। इन दोनों को ही जब हम चार्ज करेंगे तो ये जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या फिर चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसको लेकर तीन टाइप से हम इस पर पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तीन टाइप्स कौन कौन से, फर्स्ट जब पी पॉइंट हम कहाँ ले सकते हैं, पी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल अगर हमें लेना हो तो हम पी पॉइंट यहाँ लेंगे। मिड पॉइंट ये है ओ, एंड ये जो है वो है रेडियस इस स्फेरिकल शेल की। सेम यहाँ पर अगर हम कंडक्टिंग स्फेयर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इसके लिए वो रेडियस क्या हो जाएगी, सेम। तो अब अगर हम इसको किसके लिए निकालें, सेकेंड ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फेरिकल शेल, तो सरफेस पे अगर पी पॉइंट लेना है तो ये पी पॉइंट आ जाएगा इस सरफेस पर। देन हमको इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल डिराइव करना है। थर्ड कंडीशन हम बात करते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल ले लो या फिर आप ले सकते हो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। देन ये पी पॉइंट अगर थोड़ा भी इस स्फेरिकल शेल के अंदर है तो पोटेंशियल कहाँ माना जाएगा, इस पी पॉइंट पर इनसाइड द स्फेरिकल शेल और इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब फर्स्ट कंडीशन हम बात कर लेते हैं आउटसाइड द स्फेरिकल शेल की। देन अगर मान लो इस ओपी डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लेने के कारण सबसे फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। देन अगर पी पॉइंट किस पर आ जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, देन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशन हम लेते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल, देन ओपी डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस है अब रेडियस से स्मॉल हो जाएगी, देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हम इसको लिख सकते हैं। इन तीन कंडीशन पर हम इन दो डेरिवेशन में सेम पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, इफ पी पॉइंट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल और चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ये दोनों ही डेरिवेशन सेम होंगे। और ये स्फेरिकल शेल भी हमें कैसी करनी है, इसको सबसे पहले चार्ज्ड करना है। तो दोनों ही डेरिवेशन सेम, एक डेरिवेशन में हम यहाँ समझ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन की हमने बात की, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये हमने बनाई है स्फेरिकल शेल, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। देन आगे क्या करने वाले हैं, मिड पॉइंट ओ, इसकी रेडियस जो है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। पी पॉइंट को हमें लेना है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, और ये जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब हमें इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल डिराइव करना है। सो व्हाट इज पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक वर्क डन है।
वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस पॉइंट इज पी. इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है. हमें चार्ज कहाँ से लेकर आना है? इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम पी पॉइंट पर लेकर आएंगे. देन वहाँ पर उसको लाने में जितना वर्क डन हुआ, वही वर्क डन क्या है इस पी पॉइंट पर? पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर. इस फॉर्मूले का यूज हम इस डेरिवेशन में करने वाले हैं. सो नाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. ये फॉर्मूला हमें इस इक्वेशन में ई वेक्टर की जगह पुट करना है. देन वी पोटेंशियल कितना निकलता है? माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वैक्टर. अब आर कैप डॉट डी आर वैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? डी आर. वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर के क्यू. देखो इस के क्यू को हम बाहर लिख सकते हैं. हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. देन वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर. देखो यहाँ क्या किया है, के क्यू को हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है. वन अपॉन आर स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है. किसके रेस्पेक्ट में? स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में. देन आर कैप डॉट डी आर वैक्टर को हम लिख सकते हैं डी आर. तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हमें क्या करना है. इंटीग्रेशन करना है वन अपॉन आर स्क्वायर का स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में. तो आगे देखते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट और डिराइव द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon r square with respect to small r. So, what is the integration of this? एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो याद रखना है आपको. x की पावर एंड dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन इस फार्मूले से होगा, x की पावर n plus 1 upon n plus 1. So that, what is the integration of 1 upon r square with respect to small r? इस r square को अगर हम ऊपर लिखें तो पावर आ गई minus 2. डी आर, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. देन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? स्मॉल आर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन. देन यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे? आर की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू? ये माइनस वन है, इस माइनस वन पावर को हम नीचे लेकर आएंगे. देन वन अपॉन आर, तो माइनस वन अपॉन आर इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा. ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं आगे. सो पोटेंशियल इज माइनस के क्यू. इंटीग्रेशन अपने पास आया माइनस वन अपॉन आर, लिमिट है इन्फिनिटी टू स्मॉल आर. माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू, अपर लिमिट पुट करेंगे वन अपॉन आर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे वन अपॉन इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का डिवाइड वन में किया ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो वैल्यू आती है. यहाँ बच गया अपने पास वन अपॉन आर. सो वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर. ये जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन, अपन इसको कंसिडर करते हैं. ये वी वैल्यू किसके लिए आई है? आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. एक पी पॉइंट हम लेते हैं जो कि किसके लिए है? आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है. और अगर हम कंडक्टिंग स्फेयर की बात करें तो वो भी क्या है? कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी सेम फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, वी आउटसाइड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर. अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन पर, जिस पर हमें बात करनी है कि हम स्मॉल आर डिस्टेंस को इक्वल करना है कैपिटल आर के. इसका मतलब क्या है? अगर हम पी पॉइंट को ऑन दी सर्फेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल ले लें या फिर ऑन दी सर्फेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर ले लें, दोनों में से डेरिवेशन जो है वो सेम डेरिवेशन होगा दोनों का. और इस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो आगे हम देखते हैं. नाउ सेकेंड कंडीशन इज इफ पी पॉइंट इज लोकेटेड ऑन दी
सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, और चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, और चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, तो दोनों ही डेरिवेशन को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि एक हमने स्फेरिकल शेल ली है, या फिर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। मिड पॉइंट ओ, कैपिटल आर रेडियस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि पी पॉइंट हमने ले लिया है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, देन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब फर्स्ट कंडीशन में हम बात कर रहे थे कि इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक हमें चार्ज को लेकर आना है, देन हमने इंटीग्रेशन किया इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें इस पी पॉइंट तक किसको लेकर आना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना है। तो ये पी पॉइंट अब आ गया ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, देन कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब हम जो v को लेकर इंटीग्रेशन करेंगे उसमें जो लिमिट रखेंगे वो इन्फिनिटी टू कैपिटल R रखने वाले हैं। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बनता है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस फ्रॉम द इक्वेशन। फर्स्ट v आउटसाइड हमारे लिए कितना था, kq अपॉन स्मॉल r। देन अगर हम वहाँ पर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R रख दें, ये पुट कर दें, तो भी हम वहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि V आउटसाइड हमारे पास कितना फॉर्मूला आया था, V आउटसाइड फॉर्मूला आया था KQ अपॉन स्मॉल R। अगर इस स्मॉल R की जगह हम पुट कर दें कैपिटल R, देन V सरफेस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो डायरेक्टली हमें मिल सकता है KQ अपॉन कैपिटल R। और इस फॉर्मूले से भी आपको समझ में आ रहा है कि इन्फिनिटी टू कैपिटल R आएंगे हम, यहाँ KQ अपॉन स्मॉल r हमें पुट करना है स्मॉल r स्क्वायर, देन वही 1 अपॉन r स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे, देन क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1 अपॉन r। और माइनस 1 अपॉन r पे हम वैल्यू कौन कौन से पुट करने वाले हैं, कैपिटल R पुट करने वाले हैं, देन इन्फिनिटी पुट करने वाले हैं। आउटसाइड में हमने क्या किया था, स्मॉल r पुट किया था, देन इन्फिनिटी पुट किया था। यहाँ जब कैपिटल पुट करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आने वाली है KQ अपॉन कैपिटल R। तो इसको हम डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं, और अगर आपको डिराइव करना है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी आप डिराइव कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। थर्ड कंडीशन हम क्या देखते हैं, थर्ड कंडीशन में हम बात करेंगे कि पी पॉइंट हमें लेना है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इनसाइड थोड़ा भी अगर इस स्फेरिकल शेल के अंदर आ जाए पी पॉइंट, चाहे वो डिस्टेंस बहुत ही छोटी क्यों ना हो, तो हम क्या डिराइव करेंगे, पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ये हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। सो नाउ थर्ड कंडीशन इज, इफ पी पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, charged spherical shell, or we can consider here charged conducting sphere. तो दोनों ही condition में third जो हमारी condition है वो क्या रहेगी, ये हमने charged conducting sphere इसको consider कर सकते हो, या फिर charged spherical shell consider कर सकते हो। O point mid point है, small r, सॉरी कैपिटल आर यहाँ पर इसकी रेडियस है, देन पी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल अगर कंसिडर करें तो ओपी डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर, और इस कंडीशन में हम स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर लिख सकते हैं। नाउ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, वी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, ये हम कंसिडर करते हैं, लेकिन अब हमें इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप, इस इनसाइड द स्फेरिकल शेल इस कंडीशन में जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे बाहर की तरफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो पोटेंशियल। नाउ वी कैन राइट हियर
स्मॉल आर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैसे? इन्फिनिटी टू, ये जो हम कंडीशन ले रहे हैं इन्फिनिटी टू स्मॉल आर की, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसमें जो वर्क डन हुआ उसको लाने में, तो इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, एक तो ये कंडीशन बनने वाली है। देन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, सेकेंड कंडीशन ये बनने वाली है। तो इन्फिनिटी टू आर, ये जो कंडीशन थी इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो हम लिखेंगे ये कंडीशन। देन सरफेस से हम अंदर आते हैं, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। इसलिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। सो दोनों पार्ट्स के लिए इंटीग्रेशन निकालने पर क्या करने वाले हैं, दोनों के फॉर्मूलाज हम प्लस कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो हमने माइनस यहाँ पर लिखा है। इन्फिनिटी टू कैपिटल आर फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इंटीग्रेशन का, ई डॉट डी आर फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि करने वाले तो हम क्या हैं, दोनों इंटीग्रेशन पार्ट को हम प्लस करने वाले हैं, लेकिन इस फॉर्मूला में माइनस है, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया है। नेक्स्ट कैपिटल आर टू स्मॉल आर पुट करेंगे, तो दोनों में लिमिट्स हमने रखी है इन्फिनिटी टू कैपिटल आर और कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो इन्फिनिटी टू स्मॉल आर को हमने दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लिया है, दोनों ही इंटीग्रेशन पार्ट को हम प्लस करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, माइनस साइन आया है। अब देखिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन सीधी सीधी आपको बताती है वी सरफेस की, ये किसकी कंडीशन है, वी सरफेस की, और इसके लिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो क्या है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और इस कंडीशन की हम बात करें तो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर क्या है, चार्ज इक्वल्स टू जीरो, सो पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। तो इस पार्ट का जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली हम जीरो कर देंगे, और ये जो पार्ट है वो सेकेंड कंडीशन में हम वी सरफेस के लिए निकाल चुके हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फ्रॉम दिस डेरिवेशन, कम्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सो वी सरफेस के लिए ये लिखा है, तो ये वी इनसाइड के लिए भी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो दो कंडीशन हमने देख ली है, वी आउटसाइड हमारे लिए जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सो आज हमने बात की स्फेरिकल शेल की, चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ये डेरिवेशन ले सकते हो, या फिर आप कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ये दोनों ही के लिए डेरिवेशन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। वी आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर फॉर्मूला हमने बनाया है, वी सरफेस के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर फॉर्मूला डिराइव किया है, और वी इनसाइड के लिए हमने दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन को डिवाइड किया, क्योंकि अब पी पॉइंट हम इनसाइड द स्फेरिकल शेल ले रहे हैं, और दोनों ही कंडीशन में चार्ज क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर चार्ज डिपेंडेबल है, ये जो कंडीशन है चार्ज डिपेंडेबल है। सो व्हाट इज द डेरिवेशन और फॉर्मूला फ्रॉम दिस इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि ये जो कंडीशन थी वो हमने वी सरफेस के लिए देखी थी, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी है, और इसके लिए डायरेक्टली हम जीरो लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज कितना है, जीरो। सो वी आउटसाइड के क्यू अपॉन स्मॉल आर, वी सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर, एंड वी इनसाइड भी क्या होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा। सो ये दो कंडीशन, वी सरफेस पे और वी इनसाइड पे, आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, और यही आपको इनके न्यूमेरिकल्स में पुट करना है। सो आज के लिए इतना ही, और कोई भी आपको डाउट एंड क्वेरीज हो, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप ये पढ़िए, और बाय बाय, थैंक यू सो मच।